तो अभी तक हमने क्या किया, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो आप टॉपिक लिखें फॉर्मूला बुकलेट के ऊपर, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, जिसके अंदर आप ईएमएफ को लिखें ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट को लिखें आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। फेजर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो वैल्यूज और आर बस। तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज इन केस ऑफ अ रेजिस्टर। देखो ये पॉइंट क्लियर है। फिर आप लिखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, तो ई क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और इसकी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, जिसका फॉर्मूला क्या है, एल ओमेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो आता है, ग्राफ प्लॉट करो या मार्क करो एक्स एल और फ्रीक्वेंसी का। एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2.2 फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एल प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एसी की, साइकिल ज़्यादा होंगे और एक्सएल उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर करंट चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा इंडक्टर ऑफर करेगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और उसी तरीके से ओनली कैपेसिटर के अंदर इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इसकी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये पेपर में मार्क करने को बहुत ज़्यादा आता है, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो। तो एक्स सी क्या होता है, 1/C ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2.2 फ्रिक्वेंसी, तो एक्स सी इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी।